आपका डेटा मीन्स मूवी, म्यूज़िक, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी भी तरह का कोई भी फाइल आप कैरी करते हैं पेन ड्राइव में, एसडी कार्ड में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या फिर कंप्यूटर के ड्राइव में, और आपका डेटा मिसिंग है या फिर शो नहीं करता, तो उसको कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल एडवांस्ड टेक में, जहां कि आपको मिलते हैं टेक्निकल वीडियोस एंड उनके जेन्युइन सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टेक्निकल वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा USB ड्राइव इसमें यूटिलाइज़ किया गया है जगह, लेकिन जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें कोई भी तरह का कोई भी फाइल फोल्डर मुझे नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। डबल क्लिक कीजिए इसको, उसके बाद आप ट्राई करते हैं, व्यू में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, चेंज फोल्डर सर्च ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद व्यू में आके आप शो फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स में अप्लाई करते हैं, फिर भी आपको आपका डेटा रिकवर नहीं होता, नहीं मिलता। फिर से सेम जगह पे जाइए, ऑप्शन चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, उसके बाद आपको व्यू में चले आना है और स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स रिकमेंडेड। तो इसको आपको अनचेक कर लेना है क्योंकि आपको एक मैसेज मिलेगा, यू हैव चूज़न टू डिस्प्ले प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, तो इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कई बार वायरसेस की वजह से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपने SD कार्ड को या फिर पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा शो नहीं करता, वो हाइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो डेटा होता है उसको हिडन कर देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यहाँ फोल्डर देख पा रहे हैं, इसमें डबल क्लिक कीजिए, पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल A कीजिए, कॉपी कर लीजिए सभी को, या फिर आप कट भी कर सकते हैं, और इसके बाद पेन ड्राइव में ही उसी लोकेशन पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। सो फ्रेंड्स, ये तो था पहला तरीका, अब देखते हैं दूसरा तरीका। कई बार पेन ड्राइव में या फिर SD कार्ड में या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा तो रहता है लेकिन शो नहीं करता, सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर शो करता है, लाइक D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। तो आपको ऐसे में करना क्या है, आपको सर्च बॉक्स में चले आना है और CMD टाइप करना है, और CMD को आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करना है, यस करना है। अभी उसके बाद आपको फ्रेंड करना क्या है, आपको यहाँ पे टाइप करना है CHKDSK स्पेस, और लेटर का नाम यहाँ पे लिख देना है, लेटर यहाँ पे जैसे G है तो G, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं G लेटर है, तो यहाँ पे G दिया मैंने, और एंटर कर देना है आपको। यहाँ पे चेक डिस्क, यहाँ पे जो आपका ड्राइव है उसका टोटल सिस्टम चेक यहाँ पे हो जाएगा, फाइल्स चेक हो जाएगा, और आपको आपका रिकवर डेटा भी मिल जाएगा। तो ये है दूसरा तरीका, तो इसको होने दें। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से सारा डेटा चेक होगा और आपको अपना रिकवर डेटा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, तीसरा तरीका ये है कि आपका जो एंटीवायरस है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एंटीवायरस की वजह से भी आपका जो फाइल्स होते हैं वो हिडन हो जाते हैं, तो जिसको कि अनइंस्टॉल करने के बाद आपको आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो मेरे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव है, ई ड्राइव है, इसमें भी कुछ डेटा मिसिंग थे। अभी उस प्रोसेस को करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिसाइकिल बिन एंड सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, दो हिडन फाइल, दो हिडन फोल्डर मेरे पास शो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ रिसाइकिल बिन में, और अभी फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि मेरा फाइल हिडन हो चुका था, और विंडोज 7 OS, ये भी इसको भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। सबसे बेटर होगा कि आप ये ना करके आप दोनों डेटा को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल C या फिर कंट्रोल X कट या फिर कॉपी करके आप वापस से अपनी DD ड्राइव में पेस्ट कर लें, यही सही तरीका है फ्रेंड्स, वहाँ पे उसको अपेंड ना करें। और फ्रेंड्स, सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे एक्सेस इज डिनाइड, तो यहाँ पे आपका डेटा नहीं हो सकता क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको डिनाइड करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ से सारा डेटा निकाल के वापस से डी ड्राइव में रख सकते हैं, अपने ई ड्राइव में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटास को रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर राइट क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कीजिए ताकि ये ऑप्शन आपको सही तरीके से दिखे। तो आप यहाँ से
इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हैं तो सर्च बॉक्स में चले जाइए, यहाँ पे लिखिए कंट्रोल पैनल, आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल होते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन में चले आना है। यहाँ से भी आप उस ऑप्शन को पा सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। सो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है, अभी आपको व्यू में आना है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव पे आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल रिकमेंडेड इसको अनचेक कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है, आपको आपका फाइल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चौथा तरीका आपके डेटा को रिट्रीव करने का, वो है डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के जरिए भी आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम फ्रेंड्स दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो हो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको आपका सोल्यूशन मिल गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स साथ बने रहें, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए।